कॉम्प्रीहशन में मैं कुछ वीडियोज़ एड करूँगी ग्रामर में भी करूँगी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इज़ कम्प्लीटेड फिक्शन एंड ड्रामा इज़ ऑल्सो ऑन द वर्ड ऑफ कम्प्लीशन पोट्री इज़ कम्प्लीटेड प्रोज इज़ कम्पलीटेड एस ए इज़ कम्प्लीटेड तो जो नॉन कम्प्लीट रह गए हैं वो हैं जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ दैट इज़ हिस्ट्री अभी कम्प्लीट नहीं है और पोइट्री डेफिनेशन अभी कम्प्लीट नहीं है कॉम्प्रीहेंशन अभी कम्प्लीट नहीं है कुछ वीडियोज़ एड हो चुके हैं लेकिन पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है और ग्रामर अभी कंप्लीट नहीं है लेकिन ये चार टॉपिक्स ये पांच टॉपिक्स पूरे कंप्लीटेड हैं इनको आप पढ़ सकते हैं वीडियोस की हेल्प से साथ ही साथ पी भी ले सकते हैं कुछ पीडीएफ कुछ पीडीएफ भी अभी पाइपलाइन में है लेकिन सिक्स टॉपिक्स की पी ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप क्वेरी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आप थेरी के लिए पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं पहले लिटरल डिवाइसेस को डिफाइन कर दीजिए लिटरल डिवाइसेस मेथड हैं जो कि राइटर को एक लिबर्टी प्रोवाइड करते हैं टू राइट द मैसेज विद इमोशन इन अ मोर कैप्टिवेटिंग वे लिटरल डिवाइस यू कैन से इज द डेकोरेशन ऑफ अ टेक्स्ट एलिट्रेशन क्या होता है जबकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है लाइक वाइल्ड एंड वुली वो साउंड रिपीट हो रहा है थ्रेटनिंग एंड थ्रॉन्ग थर् साउंड रिपीट हो रहा है देर इज अ वेरी पॉपुलर

इस ब को आप लोग अलग से हाईलाइट करके लिख देंगे अपने एग्जाम्स में तो दैट विल अपील टू एग्जामिनर और भी कोट्स लिख सकते हैं आउट ऑफ डाउट आउट ऑफ डार्क टू द द द राइजिंग फ्रॉम लॉर्ड्स ऑफ रिंग लिया गया है राइट तो आउट ऑफ डाउट ड आउट ऑफ डार्क ड आउट ऑफ डे ड साउंड इज रिपीटेड इट इज अ क्वाइट सिंपल लिटरेरी डिवाइस जिसको डिफाइन करना और एग्जाम्पल्स देना बहुत मुश्किल काम नहीं है

आंसर आर गेवेन एंड ग्रीन नाइट इन पोयट्रीज में एलिट्रेशन का खुलकर इस्तेमाल किया गया है ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ एडगर एल पो की पोएट्री रेवन से तो पूरी लाइन्स आपको याद नहीं रहेंगी आपके पास सिर्फ एक यही टॉपिक नहीं है प्रिपेयर करने के लिए बहुत से टॉपिक आई डू अंडरस्टैंड लेकिन ये फ्रेज लिख सकते हैं इस तरीके से रेवन बाई एडगर एलेन पो यूज एलिट्रेशन पेयर वीक वेरी इस तरीके से आप लिख कर आइए दे इवन एग्जामिनर्स एग्जामिन क्योंकि पोइट्री की आप लाइन आइडेंटिंग एन इम्पॉसिबल टास्क तो कुछ फ्रेजेस जो कि एज एन एग्जाम्पल यूज हो सकते हैं उनको याद रखिए उनको लिखिए एग्जाम में रॉबर्ट प्रॉस्ट की बर्चिस बर्चेस खुद ही पोइट्री का नाम ही बह से शुरू हो रहा है और जिस फ्रेजेस के मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ वो भी बहसे एग्जाम्पल्स तो आप अपने एग्जाम में दे सकते हैं सिमिलैरिटी इन द साउंड ऑफ वर्ड और सिलेबल इधर बिटवीन दर्ल्स और बिटवीन देर कॉन्सोनेट्स मोस्ट ऑफन एसोनेंट इंटरनल होता है जैसे कि आप फ्रेज देखिए ही रोड द बोट एक ही लाइन के अंदर पर ओ साउंड और यहाँ पर ओ साउंड ओ का साउंड रिपीट हो रहा है इस फ्रेज में सिंगल फ्रेज के अंदर ही तो एसोनेंस मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इंटरनल एसोनेंस के लिए भी मैं रिवन एज एन एग्जाम्पल यूज कर रही हूं ओ और ए साउंड रिपीट होते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ द स्पीकर लेट वाइफ लेनोर आ डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर इट वॉज इन ब्लीक डिसेंबर And each separate dying एंड ईच सेपरेट डाइंग एम्बर द फ्लोर तो यहाँ आप देखेंगे कि ए साउंड रिपीट हो रहा है A, A, A. और यहाँ पर e, December, December each. तो ई e sound repeat हो रहे हैं ए साउंड रिपीट हो रहा है और ओ साउंड रिपीट हो रहा है इस तरीके के रेपिटेशन को हम लोग एसोनेस कहते हैं वर्ड ने डेफोडल्स में यूज किया है assonance. यहाँ देखिए आप होस्ट ऑफ गोल्डन डेफुडल्स होस्ट का ओ गोल्डन का ओ डेफुडल्स का ओ बी नीथ में ई के दो साउंड और ट्रीज में भी वही साउंड ब्रीज में भी वही ई का साउंड तो इन दो फेजेस में ई का साउंड राइट और यहां पर ओ का साउंड तो इस तरीके से जब वर्ल्ड साउंड रिपीट होते हैं दैट इज कॉल्ड एसने देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं

आता है रेसोनेंस रेसोनेंस की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है रेसोनेंस इज समथिंग जो आपको बहुत डीपली फील हो जाए राइट right? अगर कोई मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उसका इंपैक्ट आपके दिल दिमाग सोल से बहुत दिनों तक नहीं जा रहा दैट मींस द डायरेक्टर द एक्टर्स हैव बीन रेसोनेंट रेसोनेंस का क्या मतलब होता है एक छाप छोड़ देना एक एको छोड़ देना द क्वालिटी ऑफ अ साउंड अगर हम ऑफिशियल साइंटिफिक डेफिनेशन की तरफ जाए तो यस दिस इज देशन द क्वालिटी साउंड ऑफ बींग डीप the ability टू evoke और सजेस्ट इमेजेस मेमोरीज एंड इमोशंस ये टर्म ओरिजिनेट हुई है Latin रेसोनेशिया से जिसका मतलब है echo और आप कह सकते हैं रेसुने जिसका मतलब है रीसाउंड दोनों का ही मतलब सेम ही है कुछ एक्टर्स और कुछ वॉइस आर्टिस्ट्स होते हैं ना जिनकी आवाज बहुत डीप होती है और बहुत अच्छी लगती है हमें वही वो भी रेसोनेंस का एक एग्जाम्पल है इफ़ यू हैव अ लाउड डीप वॉइस देन योर वॉइस हैज़ रेसोनेंस एंड इफ योर वर्ड्स आर पावरफुल एंड मीनिंगफुल दैट इज एन आई सिंग ऑन द केक देन योर वर्ड्स हैज अ डीप टोन और अ पावरफुल लास्टिंग इफेक्ट स का मतलब है कि आपके दिल दिमाग पर वो चीज छा जाएगी बहुत दिनों तक आपकी मेमोरी से नहीं जाएगी बेसिकली सिंपली वर्क यू कैन राइट इज द क्वालिटी ऑफ 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 हैविंग एन इंटेंसिटी इमोशंस रिचनेस दैट एवोक्स और आपको फोर्स करता है कि आप किसी भी चीज के प्रति एक सिंपथेटिक रेस्पॉन्स दें रेस इज बेसिकली वॉट स्टोरी बियॉन्ड जस्ट मियर एंटरटेनमेंट इट कन्वर्ट द स्टोरी फ्रॉम जस्ट वॉचिंग इट टू एंटरटेनमेंट टू एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम वेस्टलैंड इस पोइट्री जो काफी लोगों को बहुत इम्प्रेस करती है क्योंकि कुछ ऐसा कहा राइटर ने जो की एक्सपेक्टेड नहीं था और लाइफ की एक बहुत बड़ी रियालिटी थी बैक इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम नाइनटीन टी की ट्वेंटी टू की पोइट्री है एंड इट शोज दफ्ट इम्पैक्ट ऑफ वॉर्स वर्ल्ड वॉर वन जो है खत्म तो हो गई थी 1918 में लेकिन उसका इम्पैक्ट बना हुआ था और कही ना और कहीं ना कहीं आज भी हम इनडायरेक्टली उस इम्पैक्ट को कैरी कर रहे हैं लेकिन वो इम्पैक्ट भी कितना गहरा कितना डीप होगा कि हमारे राइटर अप्रैल के मंथ को क्रूअल कह रहे हैं अप्रैल एक ऐसा महीना जिसमें फूल खिलते हैं वाई द राइटर इज संग्रैल इज बिकॉज आजकल का अप्रैल ऐसा है जब लोग सिर्फ डेड बॉडीज़ को बारी करने में लगे हैं आसपास जितने भी पेड़ पौधे ग्रीनरी नजर आ रही है ना सबने किसी न किसी डेड बॉडी पर अपनी जगह बनाई है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ तो जब अप्रैल में किसी की ग्रेव पर फूल खिलते हैं ना तो वो उन फूलों की खुशबू और फूलों की ब्यूटी नहीं है जो हमें खुशी देती है उस पर्सन की याद है जो उसके नीचे बारेड है वो हमें दुख देता है एप्रिलूलिक्स डेड लैंड में ये फूल खिल रहे हैं मिक्सिंग मेमरी एंड डिजायर तो इनकी जो रूट है किसी ना किसी का नियर एंड डियर वन था वो पर्सन जो कि यहाँ पर बारी है उसी की वजह से आजकल ये फूल खिल रहे हैं इन फूलों को देखकर खुशी नहीं होती दुख होता है तो अप्रैल इज द क्रुएलेस्ट मंथ

सीन को सिनारीोज को कंप्लीटली इमेजिन कर पाए वो एक रेसोनेंट इफेक्ट है राधा दिन यू नो जस्ट गोइंग फॉर द सॉर्ट विकेबलरी डिक्शनरी में देखते हैं इस वर्ड का मतलब क्या है कई बार कई वर्ड्स आपको समझ नहीं आते लेकिन थॉट समझ आ रही होती है राइट एक्यूरेट अकाउंट एक्यूरेट फील समझ आ रही होती है कैरेक्टर्स की द डीपली एंगेज रीडर्स क्रिटिक्स एंड आस्क क्वेश्चन ऑफ द टेक्स्ट कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग द आइडियाज प्रेजेंटेड विद द प्रायर नॉलेज तो हम अपनी पहले की नॉलेज को जो हमें राइटर ने नॉलेज दी है उन सबको मिक्स करके जब हम डीपली इमोशनली इम्पैक्ट होते हैं वो एक रेसोनेंस है तो एंड में आप क्या कह सकते हैं रेसोनेंस के बारे में इट इज जनरली यूज एज अ मेटाफर और सिंबोलिज्म यू कैन से टू डिस्क्राइब द मैनर हाउ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस इज कंबाइंड किस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन को आपके दिमाग में एक टेक्स्ट में फीड कर दिया जाता है और एक बहुत डीप डाउन इमोशन आपको समझाया जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्स्ट ओ हेनरी की कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो सच में आपके दिमाग पर उसका इंपैक्ट रहेगा दो एग्जाम्पल्स में डिस्कस करती हूँ आपके साथ द गिफ्ट ऑफ मे जाय वन ऑफ दोज जिस पर जिसकी स्टोरी से इंस्पायर होकर रितुपर्णा घोष की रेनकोट मूवी भी बनी है आप ये स्टोरी पढ़ेंगे या ये मूवी देखेंगे इतना डीप इम्पैक्ट आप पर रहेगा किसी के इमोशनल लव का कैन लव बी दैट डीप यू ऑन थिंकिंग एंड इफ यू कीप ऑन थिंकिंग दैट इज रेस लगभग सभी लिटरेचर लवर्स द लास्ट लीफ को जानते हैं ये भी ओ हिंदी जी की स्टोरी है जिससे इंस्पायर होकर मूवी में थोड़ा सा इम्पैक्ट दिया गया था लुटेरा में सोनाक्षी सिन्हा एंड रणबीर सिंह वेरी इम्पैक्टफुल मूवी दैट हेज बिकम ऑनली बिकॉज ऑफ द इंसीडेंट दैट वॉज यूज इन द लास्ट लीफ और वो इंसीडेंट भी आपके दिमाग में रह जाता है तो ये मूवीज तो अभी मत देखिए एग्जाम्स के बाद देखिए लेकिन सिर्फ एज एन एग्जाम्पल मैं यूज करना चाहती थी आपके लिए लेकिन एग्जाम्स के बाद जरूर देखिएगा यू विल रियली फील कि कुछ ना कुछ ऐड हुआ है आपकी नॉलेज में आन टू गेट दी डी एफ यू कैन कनेक्ट Using this telegram link, a great good luck for your exam.